अंबेडकर नगर में ऑल इंडिया आशा बहु कार्यक्रम सेवा समिति प्रदेश अध्यक्ष पुष्पा तिवारी सैकड़ों की संख्या में मानदेय न मिलने पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को जिलाधिकारी के द्वारा ज्ञापन देकर पैदल मार्च निकालकर भाजपा कार्यालय का घेराव किया। आशा बहु का कहना है कि हम लोगों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा घंटे ड्यूटी कराकर मानदेय रोक दिया जाता है, जिसमें आयुष्मान कार्ड गांव-गांव जाकर कैंप लगाकर बनवाने का काम किया गया, लेकिन उसका भी कोई सैलरी या मानदेय नहीं मिला। अभी कुछ दिनों पहले मांगों को लेकर लखनऊ यूको गार्डन में आशा बहु के द्वारा बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन कार्यक्रम हुआ था। उस समय भी उच्च अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अभी तक हम लोगों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा गया। तत्पश्चात आशा बहुओं के द्वारा भाजपा कार्यालय घेरने के बाद मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा पूरा कार्यालय। हम लोग का बस एक ही मांग है कि हमें राज कर्मचारी का घोषणा दिया जाए, हमें कर्मचारी बनाया जाए या एक निश्चित मानदेय किया जाए जो सम्मानजनक हो। आए दिन हमारे सरकार द्वारा जैसे राज कर्मचारियों से कार्य लिया जा रहा, उसी तरह हम लोगों से कार्य लिया जा रहा है, जबकि हमारा कार्ड प्रोत्साहन बेस पे रखा गया है, जो कार्य करेंगे उसी का प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन इतना काम दे दिया गया है बिना प्रोत्साहन के दिया जा रहा है वो कार्य सारे का कार्य, जिसके वजह से हम लोग परेशान होकर और आज एक दिवसीय धरना रखे हैं। अगर हमारी बात नहीं मान रही है सरकार तो हम अनिश्चितकालीन पूरे उत्तर प्रदेश में रखेंगे। आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में धरना चल रहा है। ये बताइए यहाँ कहाँ आई हैं आप? यहाँ मैं पहले DM कार्यालय गई थी, वहाँ लेटर DM सर को ज्ञापन दी हूँ और आज BJP कार्यालय आई हूँ। जिला अध्यक्ष माननीय जिला अध्यक्ष को भी मुख्यमंत्री जी के पास ज्ञापन देने के लिए यहाँ उनसे मुलाकात करने आई हूँ। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।